गसोता में 8 दिवसीय नलवाड़ मेले का समापन हो गया है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत की। इस मौके पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के परिचायक हैं। मेलों के आयोजन से जहां परस्पर प्रेम और भाईचारा की भावना को बढ़ावा मिलता है, वहीं प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने में भी मेले अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि मेले हमारी समृद्ध संस्कृति और धरोहर के परिचायक हैं। मेले के आयोजन से जहां परस्पर प्रेम तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है, वहीं प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने में भी मेले महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गसोते में 8 दिवसीय नलवाड़ मेले का समापन हो गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने शिरकत करने के बाद जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी की सराहना की। इस मौके पर विभिन्न स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए उन्हें 10,000 रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने महिला मंडल गसोता के अधूरे भवन के निर्माण के कार्य को पूरा करवाने के लिए 1,50,000 रुपए देने की घोषणा भी की। इससे पहले मेला स्थल पहुंचने पर गसोता पंचायत के प्रधान सुदर्शना देवी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा शॉल, टोपी एवं स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर हमीरपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान, महासचिव राजेश गौतम, हरीश शर्मा, बीडीसी सदस्य सोनिया तथा गसोता पंचायत के उप प्रधान मान सिंह के अतिरिक्त अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।